हेलो एवरीवन वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस तो आज की हमारी वीडियो का डिस्कशन है सिलेबस फॉर एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस जैसा कि हमने इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हमें एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है विद इन थर्टी टू थर्टी फाइव डेज तो उसके अकॉर्डिंग किसी भी सब्जेक्ट को जब हम स्टार्ट करते हैं स्टडी करना एग्ज़ाम के लिए तो उससे पहले उसका एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना चाहिए जो कि हमने कल डिस्कस कर लिया था और उसके साथ ही उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या क्या सब्जेक्ट्स क्या क्या टॉपिक्स वहाँ पर पूछे जाने वाले हैं तो आज हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे और साथ ही अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो गए तो हम थर्टी डेज क्रैश कोर्स लेकर आएंगे आपके लिए लेकिन उसके लिए मुझे आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट चाहिए सपोर्ट क्या है जस्ट आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि यू आर इंटरेस्टेड और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए हंड्रेड स्टूडेंट्स भी एग्री हो जाते हैं और हंड्रेड न्यू सब्सक्राइबर मुझे न्यू स्टूडेंट्स अगर एस्टेट के लिए मिलते हैं तो डैम श्योर मैं कल से ही अपना थर्टी डेज क्रैश कोर्स लॉन्च कर दूंगी जो कि आपके लिए फ़्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना है चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को उसके साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे क्योंकि अभी जो नेक्स्ट थर्टी डेज के लिए जो क्रैश कोर्स आने वाला है उसमें से आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा उन सिक्सटी उन थर्टी डेज में आपके सिक्सटी मार्क्स कवर होने वाले सिक्सटी में से फोर्टी प्लस तो मान के चलो कि फोर्टी प्लस तो आपका स्कोर हो ही जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो जो सिलेबस के लिए सबसे पहला सब्जेक्ट है वो क्या है कंप्यूटर फंडामेंटल कंप्यूटर फंडामेंटल वाली यूनिट से कह लो या सब्जेक्ट कह लो या प्रॉपर एक टॉपिक कह लो कि कंप्यूटर फंडामेंटल तो इस सब्जेक्ट से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो जनरे जनरेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से एब्रीवेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको एक से दो क्वेश्चन तो फुल फॉर्म से मिलते हैं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देख लेना और एक क्वेश्चन मिलता है जनरेशन से या तो जनरेशन का ईयर पूछता है या फिर कोई भी एग्जांपल पूछता है कि फर्स्ट जनरेशन का क्या एग्जांपल है सेकंड जनरेशन का क्या एग्जांपल है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से भी आपको एक से दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइस में या तो पूछेगा कि कौन सा इनपुट डिवाइस है या फिर उनकी वर्किंग क्या होती है प्रॉपर तो नेक्स्ट अगर हम बात करें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मिनिमम एक क्वेश्चन मैक्सिमम दो क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछेगा नंबर सिस्टम में पूछेगा कन्वर्जन से आपको बाइनरी टू हेक्साडेसिमल डेसीमल कन्वर्ट करने के लिए देगा या फिर डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल कोई भी एक कन्वर्जन दे सकता है तो एक क्वेश्चन यहाँ से हंड्रेड परसेंट है मिनिमम मैक्सिमम दो भी क्वेश्चन आ सकते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लॉजिक गेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस लॉजिक गेट की किस टाइप की प्रॉपर्टी होती है वो उसका जो फंक्शनिंग है वो किस टाइप से वर्क करता है तो लॉजिक गेट से एक क्वेश्चन पूछा जाता है साथ में फुल एडर हाफ एडर से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं फुल एडर या फिर हाफ एडर यहां से भी एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बुलियन एल्जेब्रा और बुलियन एक्सप्रेशन या तो हमें के मैप देगा या तो हमें कुछ मिन देगा उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉपर बुलियन एक्सप्रेशन को फाइंड करना होता है नेक्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट की तो वो है डीबीएमएस डीबीएमएस मीन्स डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम तो डीबीएमएस में फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है ई आर मॉडल से ईआर ER मॉडल में इलिप्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है डबल इलिप्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है डोटेड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है इस टाइप से ई आर मॉडल से क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर मैक्सिमम नंबर टेबल मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स कितनी जनरेट होंगी साथ में एंटिटी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वीक एंटिटी कौन सी होती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी कौन सी होती है उसके बाद अगर हम बात करें तो नॉर्मल फॉर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रॉपर हमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन होंगी रिलेशन गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हमें बताना होगा कि वो रिलेशन हमारा किस नॉर्मल फॉर्म में लाइक करता है या फिर कीज़ से क्वेश्चन पूछ सकता है कैंडिडेट की कौन सी होगी फोरन की कौन सी होगी प्राइमरी की कौन सी होगी इस टाइप से फंक्शनल डिपेंडेंसीज और नॉर्मल फॉर्म से एक क्वेश्चन मैक्सिमम दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं उसके बाद अगर हम बात करें तो ट्रांजेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रांजेक्शन में अलग अलग प्रॉब्लम्स दे के क्वेश्चन पूछ सकता है मीन्स डर्टी रीड प्रॉब्लम फैंटम रीड प्रॉब्लम इस टाइप से या फिर सीरियलाइजेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है कि हमें पूरी ट्रांजेक्शन दी हुई होती है शेड्यूल दिया हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग हमें बताना होता है कि ये शेड्यूल हमारा कंफ्लिक्टीरियलाइजेबल है या फिर नहीं है नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज मीन एस क्यूएल एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है यहाँ से हमें या तो पूरी क्वेरी लिखी होगी हमें उसका जस्ट आंसर फाइंड करना है या फिर जो अलग अलग उसमें हम टर्म्स यूज करते हैं उनसे कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्रीगेट फंक्शन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एसक्यूएल में नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम से जो बेसिक क्वेश्चन आता है वो आता है मेमोरी से कैश मेमोरी से एक न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल आप रख सकते हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ से कैश मेमोरी से पूछ लिया जाता है उसके बाद अगर हम बात करें तो पेजिंग से सिंक्रनाइजेशन से डेड से डेडलॉक में उसकी प्रॉपर्टीज़ पूछता है कौन सी प्रॉपर्टी वॉयलेट करती है कौन सी नहीं करती सीपीयू शेड्यूलिंग से आप मान के चलो एक न्यूमेरिकल तो आता ही आता है या तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से या फिर एस से या फिर राउंड रोबिन से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डिस्क डिस्क शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग से भी आपको एक न्यूमेरिकल जरूर मिलेगा उसमें मोस्टली पूछा जाता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर या फिर शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट तो ये थी चार यूनिट नेक्स्ट जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक बार उनको डिस्कस करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क तो कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फर्स्ट ओ मॉडल टीसीपीआईपी मॉडल इन दोनों मॉडल्स की आपके को लेयर्स का पता होना चाहिए लेयर्स की डिटेल में आपको डिटेल पता होनी चाहिए कि कौन सी लेयर क्या वर्क करती है तो इसमें सारी की सारी लेयर्स को आपको अच्छे से स्टडी करना है नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आईपी टीसीपी आईपी मॉडल में कौन कौन से प्रोटोकॉल किस लेयर पे फॉल करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सेस कंट्रोल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सी एस एम ए सी ए क्या होता है अलोहा सी एस एम ए सी डी स्लोटेड अलोहा इस टाइप से या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है एरर डिटेक्शन टेक्निक कौन सी है एरर करेक्शन टेक्निक्स कौन कौन सी हैं उनकी वर्किंग कैसे होती है या फिर आई पी एड्रेसिंग से क्लासफुल से क्लासलेस से एक क्वेश्चन वहां से भी हंड्रेड परसेंट पूछा जाता है तो ये था कंप्यूटर नेटवर्क नेक्स्ट अगर हम बात करें डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की तो डेटा स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन ट्री से लगा के चलो एक क्वेश्चन ग्राफ से आता है। और कई बार ये क्वेश्चन रिकरेंस रिलेशन से भी पूछ लिया जाता है नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से जो क्वेश्चन आता है वो ऑलमोस्ट आपको शॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज पूछ ली जाती है या फिर ट्री की इस प्रॉपर ट्री की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी या फिर सर्चिंग टेक्निक्स जो हैं हमारी मर्ज शॉर्ट क्विक शॉर्ट उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी एक क्वेश्चन मिलेगा आपको या तो प्री ऑर्डर पे या तो इन ऑर्डर पे या फिर पोस्ट ऑर्डर पे यानी कि ट्रेवर्सल सीक्वेंस भी आपको पता होनी चाहिए कि कैसे हम ट्रैवर्स करते हैं वन बाय वन एक एक ट्री को नेक्स्ट अगर हम बात करें सी और सी प्लस प्लस की तो यहाँ से प्रोग्रामिंग से हमारे एक से दो क्वेश्चन तो प्रोग्रामिंग के आते हैं कुछ कीवर्ड्स पे आते हैं प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक इन कीवर्ड्स की डेफिनेशन या फिर इनकी वर्किंग क्या होती है प्रोग्राम के अंदर उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर प्रॉपर डेफिनेशन पूछी जाती है आपको इनहेरिटेंस एब्सट्रक्शन कंस्ट्रक्टर डी इस टाइप से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या तो मॉडल से क्वेश्चन पूछा जाता है वो वॉटरफॉल मॉडल में फेजेस कौन कौन से हैं स्पाइरल मॉडल प्रोटोटाइप मॉडल इस मॉडल को किस टाइम पे यूज करना चाहिए किस कौन से मॉडल को हम कहाँ पे यूज नहीं कर सकते तो इस टाइप से वो मॉडल्स की आपको फेजेस का पता होना चाहिए और उनकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए साथ में अगर हम बात करें तो टेस्टिंग टेक्निक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अगर हम बात करें कपलिंग कोइजन की तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कौन सी कपलिंग बेस्ट है कौन सी कोइजन बेस्ट है नेक्स्ट और लास्ट अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हर बार पूछे जाते हैं एक्स हुआ एस हुआ एम एस ऑफिस एम ऑफिस के अंदर आपको सारे करने हैं एम एस एक्सएल एम एस पावर पॉइंट एम वर्ड वहाँ से एक एक दो दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं इनकी एम ऑफिस की शॉर्टकट कीज़ भी पूछी जाती हैं एक से दो क्वेश्चन वहाँ से आते हैं वेब एप्लीकेशन पर एक क्वेश्चन ज़रूर मिलता है तो ये था ओवरऑल कि एस्टेट पी कंप्यूटर साइंस में कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से सब्जेक्ट से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैंने अपनी तरफ से ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है जो जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करते हुए सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी अगर आप एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सो so, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोगों को जस्ट एक सब्सक्राइब करना है और साथ में वीडियो के नीचे कमेंट करना है यू आर इंटरेस्टेड और आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए अगर आप थर्टी डेज क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं तो उन थर्टी डेज में मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं सिक्सटी मार्क्स का सारा सिलेबस अच्छे से कवर करा सकूँ सो थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर